वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू मैडम अनुराधा गुप्ता जी। माय नेम इज सुलभा महाजन टीचर GGHS पटोर डिस्ट्रिक्ट रामबन। जैसे कि आपको पता है हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन जो है वो स्टार्ट किया था। हमने उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कर लिया है, उसके वर्ड्स प्रॉब्लम भी कर लिए हैं। हमने एल्जेब्रिक मेथड में अब जो दूसरा मेथड उठाया था वो था एलिमिनेशन मेथड, उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम उसकी वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे एलिमिनेशन मेथड जो है वो लगाया जाता है इन वर्ड्स प्रॉब्लम। हम एलिमिनेशन मेथड जैसे कि मैंने बोला हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका हम अब क्वेश्चन हमने एल्जेब्रिक पार्ट वाले किए थे, अब हम वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड करेंगे। 3.4 स्टार्ट की थी, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्या कहती है ये वर्ड्स प्रॉब्लम? इफ इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इन्होंने बोला है अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमिरेटर में, ऐड मतलब प्लस करना, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? रिड्यूसेस टू 1। इट बिकम 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब ये जो है 1/2 फ्रैक्शन बन जाएगी अगर हम सिर्फ 1 क्या करते हैं, ऐड कहाँ पे करते हैं? डिनोमिनेटर में। बताओ कि वो फ्रैक्शन क्या होगी, यानी कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करके हमने फ्रैक्शन लिखनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। लेट द, क्या लेट करेंगे? न्यूमिरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोलती है फर्स्ट कंडीशन? इफ वी एड 1 टू न्यूमिरेटर एक्स प्लस 1 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1। इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स प्लस 1 ये वहां पे चला जाएगा राइट साइड पे, 1 से मल्टीप्लाई होने पे वाई माइनस 1 ही रहेगा। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई, कॉन्स्टेंट टर्म हम एक साइड पे ले जाते हैं माइनस 1, प्लस 1 भी राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोला इन्होंने? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर क्या था हमारा x, सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस करना है, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई होने पे टर्म सेम रहेगी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरी वाली क्या बन गई? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? ये सेकेंड इक्वेशन है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 1, We get, क्या मिल गया हमें? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4,
2x माइनस वाई इक्वल टू वन, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. आपको पता होना चाहिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये हमने 8 में भी पढ़ा था. इसको कट, माइनस टू प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कट, वाई इज इक्वल टू फाइव. वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, फाइव. अब इसको क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस टू. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस फाइव. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, थ्री. देयरफॉर न्यूमरेटर क्या बना हमारा, क्या आया हमारा, थ्री. डिनोमिनेटर क्या आया हमारा, फाइव. हेंस फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी, इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव. यही हमें निकालना था. टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी, और जो भी हमने पहले किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी काफी टाइम रिपीट होता है क्वेश्चन. फाइव ईयर अगो, पांच साल पहले की बात है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी क्या थी, थ्री टाइम्स थी, किससे, सोनू से. टेन ईयर लेटर, दस साल बाद नूरी क्या हो जाएगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें नूरी की और सोनू की एज जो है वो निकालनी है. क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी करेंगे, एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या करेंगे, वाई ईयर्स. ठीक है, अब फाइव ईयर एगो की बात है, पीछे नूरी की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस फाइव, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, वाई माइनस फाइव. क्या बोलती थी फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, नूरी की एज इज थ्राइस किससे, सोनू की एज से. सॉल्व कर लो, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस फिफ्टीन. दिस इंप्लाइज एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव. दिस इंप्लाइज एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन. नाम दे दो फर्स्ट. ठीक है, टेन ईयर्स लेटर, दस साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, नूरी विल बी एक्स प्लस टेन, जितनी उसकी एज है वो उसमें दस साल और ऐड हो जाएंगे, और सोनू की एज भी क्या हो जाएगी, वाई प्लस टेन. क्या बोलती है सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नूरी की एज कितने टाइम्स थी, टू टाइम ऑफ सोनू एज, इट्स ट्वाइस. दिस इंप्लाइज सॉल्व दिस, एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू टू वाई प्लस ट्वेंटी,
दिस इम्प्लाइज x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 10. दिस इम्प्लाइज x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. वी हैव x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10. देखो बच्चे, फर्स्ट हमें इसको अब जो इसका क्वेश्चन है ये बराबर है, इसके साथ भी वन है, इसके साथ भी वन है. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस है. यहाँ पे ये माइनस था तो प्लस, सॉरी माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस. कट, माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई इज माइनस वाई, माइनस 20 वाई इज इक्वल टू 20. पुट द वैल्यू ऑफ y इन, किस में पुट करोगे, किसी में भी कर लो, वन में कर देते हैं. वी गेट क्या, x माइनस थ्री मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस 10. दिस इम्प्लाइज x माइनस थ्री टू जा 60 इज इक्वल टू माइनस 10. x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 50. क्या निकला हमारा, x 50. हमने क्या किया, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट की, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 10, x 320 जा 60 इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 साइड किया तो क्या आ गया, प्लस 60. तो प्लस माइनस माइनस 10, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा साइन प्लस का, क्योंकि 60 बड़ा है. x की वैल्यू क्या आ गई 50, y की वैल्यू क्या आ गई 20. हेंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या निकली हमारी 50 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या निकली हमारी 20 इयर्स. यही हमने निकालना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. बच्चे आप सबको पता है, जैसे हम बात करते हैं ऐसे वंस, टेंस, 100. इन्होंने बोला हुआ है टू डिजिट नंबर की बात हो रही है, यानी कि एक वंस है एक टेंस है. अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो नंबर क्या आ जाएगा, 9. ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. जो अगर हम जो नंबर हमने लिया है अगर हम उसको रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब वंस वाले नंबर को टेंस पे और टेंस वाले नंबर को वंस पे लिख दें तो नंबर जो मिलता है वो क्या होगा, 9 टाइम नंबर होगा. हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर, आखिर वो नंबर है क्या जिसको रिवर्स करना है और जिसको सीधे से लिखना है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, मान लेते हैं क्या है x, और डिजिट एट वंस प्लेस मान लेते हैं क्या है y. तो नंबर क्या बन जाएगा, फॉर्म्ड क्या होगा, वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस. ऐसे ही होता है ना, वंस और टेंस, वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस वाले को ऐड कर देना. अब क्या होगा, बाय रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा, रिवर्सिंग का मतलब टेंस को वंस पे, वंस को टेंस पे लिख देना है. टेंस वाला वंस पे, वंस वाला टेंस पे, और ये ये पता चला. यही पे कंफ्यूजन होती है हमारा, पहले हमने टेंस नंबर वाला, टेंस प्लेस वाला डिजिट माना, फिर वंस प्लेस वाला डिजिट माना, नंबर क्या बना, वंस प्लस टेंस. इन्होंने बोला रिवर्स करो, टेन वाले को वन में लिख दो, वन वाले को टेन में. हमारा जहां पे एक्स था वहां पे वाई लिख दिया, जहां पे वाई था हमने एक्स लिख दिया. ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कहते हैं सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, टू डिजिट मतलब 1 से 10 को, तो अगर प्लस करने पे क्या आया हमारा 9, एक ये कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, ये वाला नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ये ध्यान रखना नंबर और रिवर्सिंग। उन्होंने 9 टाइम जो नंबर था ओरिजिनल वो किसके बराबर था, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बन गया हमारा 9 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, xx वाली को एक साइड ले जाओ, सारी ले आओ इसी साइड, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। देखो 90 में से 2 निकाले हमारे कितने आ गए 88x और प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 निकाले कितने आ गए हमारे माइनस 11y इज इक्वल टू 0। हम इसको सिंपलर फॉर्म में कर सकते हैं, 11 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, क्या आ गया 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या क्या हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/8 एंड इक्वेशन 2/1, क्या बन गई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 8 से करने से 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, क्या थी वैसे हमारी इक्वेशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू 9 थी, अब हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गई 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, इसको हमने 1 से करना था तो ये एज इट इज रहेगी 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट 8y प्लस y इज 9y, 72 में से 0 काटे तो 72, y इज इक्वल टू 72 अपॉन 9, 9 1s are 9 8s are, y की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हम इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस y इज इक्वल टू 9 था, x प्लस y की वैल्यू क्या निकली थी 8 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 माइनस 8, this implies x is equal to 1. अब y की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, therefore x is equal to 1 and y is equal to क्या निकला हमारे पास 8, तो required number क्या बनेगा, hence required number क्या बन जाएगा हमारा, क्या था हमारा यहाँ पे 10x प्लस y था, 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 विच इज 18, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी साल इस बुक में इंट्रोड्यूस हुआ है, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं था, इसी बार न्यू बुक में ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्या है ये क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब होता है अमाउंट को निकलवाना, वो बैंक में गई थी उसने कितने पैसे निकलवाने थे 2000 रुपए, ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर जिसने जिससे उसने पैसे लेने थे क्या बोला, उसको सिर्फ 50 वाले और 100 रुपीज वाले ही नोट दे, उसने निकालने कितने पैसे थे 2000 में उसको क्या चाहिए थे 50 वाले नोट और सिर्फ 100 वाले ही नोट चाहिए थे, टोटल मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, जो 2000 में जितने उसको 50 के नोट थे 100 के नोट थे ये नहीं हमें पता कि कैशियर ने उसको कितने दिए, उन्होंने बोला उसको जो टोटल नोट मिले थे जिसमें कौन कौन से नोट होंगे 50 वाले और 100 वाले कितने थे वो 25,
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 100 शी रिसीव। बताओ कि उस पूरे 2000 में 50-50 वाले उसको कितने मिले होंगे और 100-100 वाले उसको कितने मिले होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि 50 रुपीज नोट जो थे उसके पास एक्स थे और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितने थे उसके पास वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोलता है, उन्होंने क्या बोला था कि 50 वाले नोट और 100 वाले नोट जो थे मिला के उसने कितने रुपीज निकलवाए, टोटल 2000। यानी कि 50 रुपीज वाले जितने भी नोट होंगे एक्स प्लस 100 रुपीज वाले जितने भी नोट होंगे वाई, दोनों को प्लस करके कितने थे 2000 बनने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बन गई हमारी। और दूसरी कंडीशन क्या थी, टोटल 50 और 100 के नोट कितने थे हमारे पास 25। ये क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। हम चाहें तो इसको भी सिंपलर फॉर्म में कर सकते थे। क्या बनेगा, 50 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनता यहां पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, जब उससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2000 को 50 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 40। इसको आप 1 नाम दे दो, ये 1 सॉल्व वाली को 1 नाम दे दो। ठीक है, क्या है हमारी इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 फर्स्ट वाली और x प्लस y इज इक्वल टू 25 सेकेंड वाली। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सारी प्लस वाली है। 2 में से 1 निकाला तो y, 40 में से 25 निकाले तो 15, y क्या आ गया हमारे पास 15। अब किस में पुट करेंगे वैल्यू इसकी, आप फर्स्ट में करो सेकंड में करो, आपकी चॉइस है, हम फर्स्ट में ही करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, दिस इंप्लाइज x क्या निकला हमारा 10। Hence, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने निकले, रुपीज 50 नोट्स के 10। नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स कितने निकले हमारे 50। चेक के लिए आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 25 नोट्स जो है हमारे होंगे, यानी कि हमारा आंसर जो है वो ठीक। कम टू योर फेवरेट टास्क, दैट इज योर होम टास्क। क्या है आज होम टास्क में, मैं वर्ड प्रॉब्लम दे रही हूँ। अभी हमने 4 वर्ड प्रॉब्लम जो है डिस्कस की है, ये 5th वन इज योर होम टास्क। अब आपने 4 कर ली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए 5th करने के लिए। मैं समझा देती हूँ क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप सबको पता होगा, जहाँ पे आप जाते हो, स्कूल में भी लाइब्रेरी है, किताबें पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरियां भी होती हैं बाहर प्राइवेट प्लेसेस पे जो हमसे चार्ज जो है वो लेती हैं। क्या है ये, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। उन्होंने क्या रखा हुआ है, फिक्स है कि 3 दिन के लिए अगर आपने किताब लेनी है तो उसके लिए कितने चार्जेस हैं। एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, अगर 3 दिन के लिए उन्होंने फिक्स किया है कि हमें 3 दिन के लिए इतने चार्ज लेने हैं, अगर ऊपर दिन हो जाते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। 3 दिनों के लिए फिक्स है और पर डे 3 दिन से ऊपर अगर हो जाते हैं पर डे के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है। सरिता ने पे किया है ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी और पेमेंट कितनी की 27, यानी कि 3 डेज के लिए अलग प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस।
वाइल सूसी पेज ₹21 फॉर 5 days. सूसी ने कितने दिनों के, 5 दिनों की कितनी पेमेंट की? 21. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एक्स्ट्रा चार्ज. हम क्या कर लेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल टू वाई. फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि उसने 7 दिन के लिए पेमेंट की है. ठीक है, फर्स्ट 3 के लिए अलग चार्ज था, यानी कि कंडीशन क्या होगी, फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए क्या माना हमने, x. तो x प्लस कितने y आएंगे, 7 दिन थे, 3 तो फिक्स हो गए थे, 3 फिक्स 7 से 3 निकाले तो कितने हो गए 4y. x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. ये पता चला पॉइंट क्या है, 3 डे अलग कर दो उसमें से, 3 डे के तो फिक्स था, टोटल 7 डेज रखे थे उसने जो 27 रुपीज दी थी. फिक्स वाले 3 निकाल दिए मैंने, जिसको मैंने x सेलेक्ट किया हुआ था, तो क्या आया x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. और सूसी ने 5 डेज के लिए पेमेंट की है तो उसका क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. ध्यान रखना जो फिक्स 3 डेज को नहीं आप इसमें इंक्लूड करोगे, 3 फिक्स थे उसको हमने 3 डेज को x माना हुआ है, तो x प्लस जो एक्स्ट्रा डेज थे 7 में से निकाले हमने तो 4 बने, दूसरे में 5 थे, 3 उसके 3 दिन अलग निकाल के तो 2 ही दिन बचते हैं एक्स्ट्रा वाले, तो उसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली का आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, दूसरी वाली का क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. आपके पास कंडीशन मिल गई है, इससे आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, x और y की वैल्यू निकालोगे. आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से वर्ड्स प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करोगे, फिर ध्यान से क्वेश्चन निकालोगे और जो एग्जाम्पल में भी एक्सरसाइज है उसको भी निकालोगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस.